इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। Hey, hi, welcome back to FSA Entertainment. I'm at Mo Farms with Osam bhai. Assalamualaikum Osam bhai. Osam bhai, this is a video that I always wanted to make. हमेशा बहुत सारे लोगों में ये व्याकुलता रहती है और आई डोंट नो व्हाट इज द राइट हिंदी टर्म, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है टू फाइंड आउट भाई एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड से क्रॉस करेंगे तो बच्चा कैसे निकल बराबर। एंड यू हैव एक्सपेरिमेंटेड हियर? या अलॉट, वी हैव डन दैट अलॉट विद अलॉट ऑफ बोर के साथ, स्पेशली सानियन के साथ, बैंटम के साथ काफी किया है जो हमारे मेन ब्रीडर्स थे। तो हम रिजल्ट दिखाते हैं। हैव यू बीन सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट? किसमें नहीं किसमें हाँ, बेसिकली इट्स फ्लक्चुएटिव बट देन यू गेट द आइडिया। ठीक है, ये जो है आपके हाथ में ये मेल है, मेल है। एंड ये किस किन दो नस्लों का मिश्रण है? सो इट्स द मेल इज सानिन वो वाला। या सो ये जो है मेल है इसका जी। सो दिस फेलो यस क्रॉस्ड विद बर्बरी फीमेल, ये जो आ रही है इसकी मां। या 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 तो बर्बरी क्रॉस्ड सानिन निकलता है ऐसा जी। अभी इसमें कैसा, इसमें जो कान है ना आप देखेंगे थोड़े टिड़ी की तरह है, बिकॉज द मदर्स के जो ईयर्स है उस पर फोकस करो वैसा है। अगर सानिन के सारे बर्बरी के मोस्टली वैसे एकदम खड़े होते हैं तो बच्चे के भी एकदम खड़े आएंगे। ओके ओके, सो वैसा रहता है तो वो हिसाब से मिक्स हो जाता है। ओके और सिंग आएगी इसमें वैसी सानिन जैसी? सानिन जैसी नहीं आएगी, मतलब उतना हमने बर्बरी में भी सिंग होती है ना, उतना लंबा छोड़ दू बच्चा। हाँ बच्चा छोड़ दिए तो हमने इतना लंबा कभी रखा ही नहीं है क्योंकि किड्स में ही सेल आउट हो जाते हैं, तो उतना लंबा कभी हमने रखा ही नहीं। बट पता चला है कि कैसे हुआ, इससे पहले बड़े हुए बच्चे इसके? बड़े नहीं, बच्चे में ही चले, बच्चे में सारे के सारे एक भी नहीं रखे हो? नो, हमने मेल थोड़े रखे थे, फिर बाद में किसी ने बहुत मांगा। हाँ तो हमने दे दिया। आई थिंक रखना चाहिए एंड यू शुड, क्योंकि मेन तो मजा उसी में है ना। आई यू नॉट इन टच विद दोस पीपल जिन्होंने ने लिखे गए, आई कैन ट्राई टू कांटेक्ट, ट्राई टू कांटेक्ट देम, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम फॉर शूट पार्टीज फोटोज वगैरह रहेगी। श्योर श्योर। सो दिस क्रॉस विथ बर्बरी हमें वैसा नस्ल आया, ठीक है। अब ये है कोटा, कोटा ठीक है। कोटा को आपने क्रॉस किया उस्मानाबादी से, उस्मानाबादी से उस्मानाबादी पे तो बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई किया। इनिशियली जो हमने फीमेल्स लाया था ब्रीडिंग के लिए ये वाली उस्मानाबादी, या दिस टाइप ऑफ फीमेल। सो और बच्चा निकला है ये भूरा कलर, ये टाइप का। या 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 सो इसमें भी कैसा होता है ना, कोटा में जरूरी नहीं कि ऐसा ही बच्चा है, कान लंबे भी आ जाते हैं कलर में। कान जो आए हैं उस्मानाबादी टाइप से है ना। बाकी के फीचर्स, अभी एक चीज वेट करना पड़ेगा, अग्रेशन कैसा है? अग्रेशन भी तो बच्चा है ना, बाद में मतलब फीमेल है, स्मॉल है। अच्छा ये फीमेल है, ओके ओके, सो अग्रेशन वैसा तो नहीं है। हाँ बट देन इसमें कैसा है ना, एक चीज है आपको कि आपको परफेक्ट सेट ऑफ कोटा के साथ आप करेंगे ना तो आपको परफेक्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। मतलब बोर के साथ जो हमने देखा ना कि काफी सिमिलर पैटर्न में आ रहा है। ओके मतलब स्ट्रक्चर वाइज, कलर पैटर्न नहीं बट स्ट्रक्चर वाइज, कलर में भी काफी मैं आपको सिमिलरिटीज है बता दूंगा। बट कोटा में इतना उसमें वो नहीं है, थोड़ा मतलब काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, लंबे कान छोटे कान। और इसी की बहन, उस्मानाबादी की बहन को आपने ट्राई किया बोर पे भी? बोर पे वो हमारा इनिशियल स्टार्टअप था, मतलब हमने सब फीमेल्स बोर से ही करते हैं। सो दिस मिक्स विद दिस ब्रीडर? या क्योंकि पैर पे थोड़ी दिक्कत हो गई है अभी, मैं थोड़ा उसमें जाली पे मार दिया है। ओके और इसका नतीजा कैसा है? द वन इन द फ्रंट। सो ऐसा ही जो लोग बोलते हैं 50% बोर है, ऐसे ही रहता है ना, दिस इज 50% 50%। अब उसका पूरा ब्लैक कलर ले लो या पूरा व्हाइट कलर ले लो, हमारे जेनेटिक्स मेंटेन करते तो एक अगर 100% उस्मानाबादी है, 100% बोर है, उनका बच्चा 50% ही आएगा रिगार्डलेस ऑफ द कलर। अभी नॉर्मली बोर में मैं आपको बताता हूँ कैसा, आपको बोला कि सिमिलैरिटीज आते हैं हर बार। अभी कलर पैटर्न देखो, बॉडी फुल व्हाइट है, नेक ब्लैक है, गलेगा। बोर का कलर कैसा होता है? नेक ब्राउन होता है, बॉडी व्हाइट होती है जी, तो दैट चेंजेस टू बोर का जो कलर है ब्राउन की जगह ब्लैक होकर बच्चा आ रहा है। मेल्स में मैक्सिमम, मेल्स जो होते हैं ना, फीमेल्स में कम होता है वैसा, मेल्स में मैक्सिमम ऐसा ही कलर आता है। ये मेल है? ये नहीं, ये फीमेल, ये फीमेल है। या, कोई कोई फीमेल में एक थोड़ा सा हल्का सा पैच आया। या, 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 या। तो मैक्सिमम मेल्स में मतलब 10 में से 8 मेल आप पकड़ेंगे या 7 मेल पकड़ेंगे तो बोर के कलर का मध्यम ब्राउन की जगह ब्लैक, दैट इज 50%। स्पेशल दिस इज मोर बोर लुकिंग ना देन उस्मानाबादी। या 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 मतलब लुक वाइज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस वाज कि बोर का ग्रोथ बहुत फास्ट है, उस्मानाबादी का ओवर द पीरियड इतना फास्ट नहीं है। ओके ये भी क्रॉस रहेगा उसका 50% जींस जाएगा जी, सो उसका ग्रोथ उस्मानाबादी से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है तो हम लोग इसका बताइए ये क्या है। सो दिस इज बर्बरी, ये दैट इज बोर, ये दोनों का ब्रीडिंग किया बोर एंड बर्बरी का। यस ये अपना गिव अवे वाला है। या गिव अवे वाला है।
सो ये बचा सो बोर क्रॉस विद बर्बरी दिस इज व्हाट या एंड आप देखेंगे सिंह मार्वल आया मखीसीन आया या माँ के ऊपर बोला कलर गया है ग्रोथ बर्बरी की तरह स्लो नहीं है दैट्स द मेन बेनिफिट ऑफ बोर की आप जब भी बोर से क्रॉस कर रहे हो जबकि ऊपर मदर पे आएगी ग्रोथ का जो है वो बोर के साथ थोड़ा बढ़ेगा मतलब बोर जितना नहीं बढ़ेगा बट देन द ग्रोथ इज देयर मां टेडी है ना मां टेडी है मां टेडी है और जो सिंग आ रही है टिपिकल बर्बरी टाइप बर्बरी टाइप आ रही है या या क्योंकि वो फीमेल के जीन में वैसा हुआ रहेगा जब भी ओवरी की मदर फादर में और है कोई नतीजा और एक्चुअली अंदर है बोर और उस्मानाबादी के सबसे ज्यादा है बोर और उस्मानाबादी बर्बरी जब भी सो व्हाट बर्बरी एंड बोर के भी बहुत थे सब बिक गए बर्बरी सानिन बर्बरी बैंटन भी काफी थे क्योंकि बर्बरी जो बकरी है बहुत छोटी है तो हमेशा सानिन से क्रॉस नहीं हो पाती है सो हमारा जो बैंटम है हमारे पास मेल बर्बरा कोई अच्छा ब्रीडर नहीं था सो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग द साइकिल क्योंकि हम लोग को हमारी खुद की फीमेल है तो हमको इट डजंट मैटर कि बर्बरा प्योर ही चाहिए वी आर जस्ट टेस्टिंग की कैसा आ रहा है तो बैंटम से भी काफी बच्चे हुए थे सेल आउट हो गए मतलब माँ के साथ बच्चे चले आते हैं ओके ओके लॉट में ठीक है इंटरेस्टिंग व्हाट नेक्स्ट नाउ अभी और क्या करना है आपको क्या क्या क्रॉसिंग करनी है अभी तो फिलहाल अभी मेन हमारा आगे का काम है बोर प्योर लाइन प्योर एज इन मतलब पूरा बोर में ही काम करना है विद द क्रॉसिंग में थोड़ा दिल्ली में लॉट टू डिजायर द थिंग इज देखो अभी इसमें मैं बात करता हूँ बोर में और उस्मानाबादी में आते हैं अब उस्मानाबादी की 10 बकरी पालो अब बोर की 1 बकरी पालो दोनों का रिटर्न सेम है क्योंकि उसका बच्चा वैसे प्राइस में बिकता है इसका 10 बच्चे वैसे प्राइस में बिकते हैं अब 10 पाल रहे हो 10 का जगह जा रहा है 1 पाल रहे हो 1 का जगह जा रहा है तो बेटर टू कीप बोर ओनली 10 का जा रहा है इसमें रिस्क ज्यादा है कि आपका पैसा ज्यादा अटक जावे जी 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 फीमेल इज एक्सपेंसिव इट्स वेरी एक्सपेंसिव लोग बोलते हैं कि क्या बोल रहे तुम लोग इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट वो बच्चा भी वैसा दिखे जाता है तो हम लोग अभी जितना स्टडी कर लिए हैं उस्मानाबादी का बिहाइंड यही था कि हम लोग सीख ले इट इज वेरी रफ एंड टफ ब्रीड महाराष्ट्र का लोकल ब्रीड है मेडिसिन कम लगता है खाने पीने का इतना इशू नहीं तो हम लोगों ने सब सीख लिया है ठीक करते 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 हम लोग बोर में ही शिफ्ट हो रहे हैं अभी हमारे पास अंदर स्टड लाइन की 10 फीमेल्स है ओके मैं आपको दिखा दूंगा विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो ये सिर्फ क्रॉसिंग का था जी जी क्रॉसिंग कैसे होता है बाय द वे वी हैव अ फार्म मो फार्म्स पनवेल जी और पलाई करते हैं हम पलाई करते हैं पलाई का अलग अलग स्लैब है स्टार्टिंग व्हाट रेट स्टार्टिंग एट 2000 एंड गोज अप टू 3000 राइट 3500 रुपीस ठीक है और जिस किसी को भी करना है नंबर इनका स्क्रीन पर दिया गया है गेट इन टच विद देम और डू यू वांट टू सेल एनी ऑफ दीस किड्स अभी तो ये तो गिव अवे में चला गया है ये बच्चे जो है ये जो क्रॉस है कोटा और इसको देना है आपको या आई विल गिव देम कितना मांग रहे हो इसका अभी अभी 5000-6000-7000 अभी आप जो कॉल करेगा ना वो टाइम पे अभी नॉर्मली कैसे 5-7 के बीच में मिल जाएंगे या इट डिपेंड्स अभी मतलब ये लोग नॉर्मली जो है ना वेट के हिसाब से जाते हैं 50% बोर जो होता है ना वो वेट के हिसाब से जाते हैं ओके हिसाब से हम दे देंगे ओके फेयर एनफ ठीक है चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू